हिसार के महावीर स्टेडियम में 74वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने झंडा लहराया। इस दौरान रणजीत सिंह ने परेड की सलामी ली। इस दौरान प्रत्येक सामाजिक सांस्कृतिक खेलों में अव्वल आने वाले तथा समाज सेवियों व कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। रणजीत सिंह ने कहा कि आज हिसार में झंडा लहराकर देश के वीर शहीदों को नमन करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि उनके परिजनों ने देश की आजादी के लिए काफी योगदान दिया है। उनके दादा व बड़े भाई ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया था और वे इसके लिए जेलों में रहे थे। ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अपने विभाग की उपलब्धियों के बारे में बताया कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में प्रदेश में बिजली बोर्ड का घाटा 34,500 करोड़ रुपए था, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति और जन सहयोग के चलते आज बिजली निगम 450 करोड़ रुपए मुनाफे में है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 12,000 किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शनों के लिए आवेदन दिया था, जिनमें से 4800 समरसीबल पंप के कनेक्शन पिछले 3 महीने में जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा 1471 मनोब्लॉक पंप लगवाए गए हैं। अगले 2.5 महीने में 4200 किसानों को 3-स्टार मोटर के कनेक्शन दे दिए जाएंगे। हिसार की 74वें स्वतंत्रता दिवस पे, हिसार की पावन धरती पे मुझे आज आप लोगों के साथ शरीक होने का मौका मिला। हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको नमन करने का मौका मिला। हमारे जो जवान हैं देश के, जिन्होंने चारों तरफ देश की सुरक्षा का मजबूती से पहरा दे रहे हैं और हम अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से देश में बसर कर रहे हैं, उसके लिए उनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हिसार के लोगों ने बावजूद एक कोरोना के, हमारी लिमिटेशन के बावजूद भी, सोशल डिस्टेंस के बाद भी, बीडीआर जो शहर के लोगों ने आज पहुँच के इस फंक्शन को सेलिब्रेट करने में योगदान दिया, उसका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, आप भी एक सिटीजन है, मैं ये नहीं कहता, ये सवाल आपके कहाँ अंदर में ये गूंज रहा है, मैं नहीं समझता स्वतंत्रता दिवस उनका। मैं तो खुद कह रहा था कि मैं तो वो दिन देखा, आपने शायद कभी देखा या नहीं देखा, जब पहली बार पार्लियामेंट मिल रही थी, देश की आज़ादी का पहला दिन मनाया जा रहा था, दिल्ली का जो खचाखच उतना जीवंत और रोमांच प्रदर्शन है मेरे जीवन में देखा, बहुत अभूतपूर्व था। उन लोगों का कोई मुकाबला नहीं, जैसे सदाम को हमने फांसी लिया देखा, देश के लिए भक्ति में डूब रहे थे, उसके लिए मर रहे थे, हमें अच्छा लगा, हम चाहे उनके विरोधी थे या पक्ष में थे, पर उस वक्त हम उनके साथ थे कि इस आदमी को फांसी नहीं होनी चाहिए। शहीद भगत सिंह जिस आदमी ने देश के लिए कुर्बानी करी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, उन लोगों को हम कभी भूल ही नहीं सकते। मेरे तो खुद फादर उस वक्त लाहौर मुल्तान की जेलें काटी उन्होंने, मेरे ताऊ जी भी, उन्होंने जेलें काटी हैं। जब एमरजेंसी थी तो मेरे परिवार के, मेरे फादर, मेरा बड़े भाई, मेरा छोटा भाई, 3 लोग परिवार से 19 महीने थे। हमारे तो हर संस्कार में, हर खून की बूंद में उनका देश के लिए कुर्बानी का कोई भी इनकलाब होता है उसके साथ। देखिए, कई चीज़ें डिसाइड होने में देर लगती है, पर ये नहीं, जब उन्होंने करा है कहीं भी बंद नहीं होते, सारे काम जो उन्होंने कह दिए वो सिरे चढ़े। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.